हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। आज के न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज करवा चौथ है तो आपको सबसे पहले हैप्पी करवा चौथ। चलिए, अब हमने भी आज फास्ट रखा है, आपने भी रखा होगा करवा चौथ का। और अब सुनते हैं कहानी। नहा धोकर हो गए हैं तैयार और अब कहानी सुन लेते हैं। उसका भी साथ विचार एक बीती थी तो आयु करवा चौथ को करते भाभी अन व्रत करियो। बोली माँ मैं भी व्रत करूंगी। बोली तू भी कर ले भाई। व्रत कर लियो तो भाई नहा धो लियो, पूजा पाठ कर लियो और अर्घ दे दियो सूरज नर भाई भैया दे दियो। संजय आया भैया शिकार की लेकिन आ जाए बेबे खान खा ले। बोली ना मैं खान को नहीं खा जाए। बोली क्यों? बोली भाई भाई चला गया पहाड़ी के ऊपर आलू बार दी अच्छा नहीं मैं कर बोले वो चांद चांद भी आयो चांद भी आयो। तो भाई आज वो भाभी वर दिया। बोले ना चांद को नहीं देखते भाई वो खादी से। बोले ना चांद भी आयो जाती ने भाई अर्घ दे दियो पानी में भाई साथ बैठ के खाना खाने लगी। तो खाना खाने लगी तो पहले निवाड़न तो एक बाढ़ आ गई, दूसरा एक माखी आ गई, तीसरे निवाड़ लेने लग गई। जो पति की सुनाव लग गई। बोले भाई जब भी करो अत्यार करो भेजो इसमें रजा को लड़को तो बीमार से। तो भाई वो जो बुलाव आए वो करने लग गए। बोले जो भी पेटी को लो पहले छोटी सी करके महात्मा आवे वो इसमें पराती में भेज दो। तो भाई उसकी माँ खोली पेटी आठ मारे पहली छोटी दो टुकड़ो आए पराती मर जाती जाके देख रहे थे मरण से मन लग गई। 12 महीना की 12 करवा चौथ करने लग गई। अब करवा चौथ उनका ही पापा बैठी बैठी बोले भाई हमने तो उसने इतना ऐ प्रश्न करी थी उसने अपना अधम में अर्घ देखी मैं तुम उसको व्रत तोड़ दूँ। तो बोले वाह क्यों भाई करेगी कि मैं दो बार उसका व्रत कर रहे भाई 12 करी उसने वहाँ प्रसन्न हो गई। बोले आई गेट पर ऊपर बोले माँ पापा तो की खड़ी होगी। बोले आपने मेरे बराबर में तो आपका ये रूप में है जीवास खुश हो दिन भर का उसको प्रसन्न होगी उसका व्रत कराया सच्चा मंदिर व्रत कराया छोटा बड़ो बूढ़ा वगैरह को सब बात मान करो। तो भाई उसने वो एक उचित व्यवहार की राजा को लड़ बोला नहीं कर दो व्रत हो गया। आई से किसान एक आंधी बुढ़िया थी बृंदायक महाराज के कारण एक आंधी बुढ़िया थी। तो वह रोज नित्य रोज बृंदायक महाराज की पूजा किया करते। तो एक प्रसन्न हो गया भाई बृंदायक महाराज ने दर्शन दे दिया। बोले बुढ़िया मान के मांग से तुम्हें वचन दे दिए। बोले महाराज मन तो माँ हम को नहीं आओ। बोली क्या बहु बेटा कल बुझ के नरमा ले लिए मैं तो कल फिर आऊँगो। बोले ठीक सा महाराज तो मैं पूछ लूँगी और कल मांग लूँगी। तो भाई बहु बेटा आया बोले अतरात्रा भाई बिंदा एक महाराज आए थे मैं उसकी पूजा कर सूँ। तो वो आयो वसन
देके गए उसे के मानो उसे तब बता दे कोई तो लड़को बोलो माँ अब सर को भी धन धन मांग रही है। बहु बोली माँ पोतो बोली तू पोतो मांग रही है। पड़ोसन बोली पड़ोसन एक तेरी तेरी जिंदगी रह रही है तन दिखा को ले तू तेरी आँखें की रोशनी क्यों मांग ले नहीं बिंदा एक मारा था गरिया की विचार लगाई मैं इसको काम करूँ बहू बेटा कि वो मांग लियो भाई मेरी जिंदगी बच रही सर वाह भी मैं दाऊँ दुनिया देख लियो तो भाई आए बिंदा एक मारा जी बुढ़िया सोच लियो बोले आ जाओ मांगूंगी ले आता हूँ उसको मैं मांगन लगी 9 करोड़ की माया दे निरोगी काया दे अमर सुहाग दे आख्या में प्रकाश दे नाती पोता दे सारा परिवार में सुख दे अंत में मोक्ष दे। विदाई महाराज बोलियो बुढ़िया नहीं कहते मन मांगो को मांग तो सबकी मांग लियो। बोलो महाराज आपने प्रसन्न होके मन सब के लिए लियो विदाई महाराज बुढ़िया सब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय बाय।